हम सावधानी के साथ में नीचे की तरफ उतरेंगे और आपके सामने पेश करेंगे कि ये एक तहखाना बना है, कमरे बने हैं, क्या है। आइए मेरे साथ में आप यहाँ पर। जो वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान थे उनका अखाड़ा एक वक्त पहले ये वाला स्थान रहा था। काफी नीचे आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे महल में लेकर आया हूं जिसका इतिहास तकरीबन आज से 350 वर्ष पुराना है। और इस महल को बनवाया गया था बुंदेला राजाओं के द्वारा अपने निवास के लिए और बाद में बन गया था ये वाला स्थान कचेरी के रूप में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ राजगढ़ का महल, जो यहाँ के राजा शत्रुजीत ने अपने शासनकाल 1762 से लेकर 1801 के समय में बनवाया था। और इस महल का जो पूरा बाहरी नजारा है पहले हम उसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। इसका बहुत विशाल लकड़ी का लोहे का गेट लगाया गया है जो कि सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाहर की आर्च काफी विशाल है। यदि अपनी नजरों को आप थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो इमारत है वो दो मंजिला दिखाई दे रही होगी, और उल्टे हाथ की तरफ और भी आपको जो व्हाइट रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो भी इसी का भाग है। और इसका कुछ टूटा हुआ भाग मैं आपको दिखाता हूँ जिसके लिए आपको अपनी नजरों को इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। बाहर का जो इसका हिस्सा है वो आज के समय में खंडित हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन एक वक्त पहले जब ये तीनों के तीनों हिस्से इस महल को देखने में लगते थे तो अपनी एक शानो शौकत का नजारा हमें पेश करते थे। अब मैं आपको इस महल के अंदर वाले हिस्से में लेकर जाऊंगा, उस सारे इतिहास को भी बताऊंगा और सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आ जाइए अंदर की तरफ आप। ये छोटा जो रास्ता है ये आम लोगों के लिए खुला रहता था, पूरा रास्ता जब यहाँ के राजा आते थे ना तब खोलते थे। अंदर की तरफ आइए जल्दी से आप एक बार, और अंदर आने के बाद में थोड़ा सा इन कड़ियों पे नजर डालिए। देखिए लोहे की कितनी बड़ी बड़ी कड़ियाँ लगाई गई हैं, ऐसे इसको बंद करने में काम आता था ये वाला। और यहाँ पर अगर आप अपनी नज़रों को इस वाले हिस्से में लेकर आएंगे तो जब राजा यहाँ से आते होंगे तो उनका स्वागत करने के लिए जो ड्रम वाले लोग थे, म्यूजिशियन थे, वो यहाँ बैठे रहते थे और उनके ऊपर फूल वगैरह फेंका करते थे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में दो छत्ती यानी कि दो छत वाले एक हिस्सा में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्च बनाई गई है, मुगल शैली थोड़ा बहुत यहाँ पे पेश होती है। अंदर की तरफ कमरे बनाए गए हैं और इसी प्रकार का जो हिस्सा है पीछे की तरफ बनाया गया है। यहाँ पर भी वो लोग स्वागत के लिए ड्रमिस्ट वगैरह बैठे रहते होंगे। अंदर आने के बाद में आपको एक काफी बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है और इस मैदान के अंदर बने हुए जितने भी कक्ष कमरे हैं ये आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिमाग में वो इमेज बना सकते हैं जो आज से 350 वर्ष पहले दतिया के इस स्थान पर बनाई गई थी। दोस्तों दतिया का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ऐसा बताते हैं कि महाभारत शासनकाल के समय में जो कृष्ण भगवान के कज़न थे शिशुपाल, वो दतिया के राजा थे। और ये जो पूरे का पूरा हिस्सा है एक महाजनपद के रूप में शामिल किया जाता है और दैत्यवक्र नाम इसका दिया गया है महाभारत कालीन समय में। ये वाला जो हिस्सा है इसको पहले आप देख लीजिए। आप भी अपने इतिहास को इतनी ही बारीकी के साथ में जानना चाहते हैं लेकिन बुक्स रीडिंग का आपके पास में टाइम नहीं है या फिर आपको काफी बुक्स रीडिंग बोरिंग लगता है तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कुकू एफएम एप्लीकेशन, जिसके अंदर 4000 से भी ज्यादा बुक्स का ऑडियो समरी दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एप्लीकेशन मेड इन इंडिया है, इसका रेटिंग है 4.5 और सभी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे बुक्स का ऑडियो समरी मिल जाता है। जब कभी भी मैं ट्रैवलिंग में होता हूं तो मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज करता हूं और बहुत सारी बुक्स की समरी सुनकर अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा गेन समय समय पर करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करने पर यदि आप यूजर कोड GWIC50 का यूज करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 का ना रहकर उनको केवल 199 ही पे करना पड़ेगा। और आपको दोस्तों मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एम्पायर, जिसको सुनिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, जाइए डाउनलोड कीजिए और सुनिए बहुत सारी ऑडियो समरी बुक्स।
यदि हम राजगढ़ महल के इतिहास को जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो दतिया में मिट्टी के ऊंचे टीले पर बना ये वाला महल, यहाँ के महाराजा शत्रुजीत ने अपने शासनकाल 1762 से लेकर 1801 के समय में बनवाया था। इस महल के अंदर गच्छकारी और पच्चीकारी का काम बहुत ही बारीकी के साथ में देखने को आज भी मिलता है। इस महल से संबंधित एक बात ये जानने को मिलती है कि जिस वक्त राजा शत्रुजीत चित्रकूट से लौट रहे थे तो उस समय महाराजा पन्ना से मिलने के लिए वो छत्रपुर और पन्ना मार्ग के बीच पहाड़ी पर बने एक महल में गए और उसी महल से लौटने के बाद में राजा शत्रुजीत ने इस बात को ठान लिया था कि दतिया के अंदर वैसा ही महल वो बनवाएंगे जिसे आज के समय में हम राजगढ़ के इस शाही महल के नाम से जानते हैं। और इतिहास के मोहरे इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि इस महल के अंदर एक वक्त पहले राजा महाराजाओं की कचेरी भी चला करती थी और आजादी के समय तक भी यहाँ पर कचेरी का काम सुचारू रूप से किया जाता था, लेकिन आज ये वाला महल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है और अपनी उस ऐतिहासिक दृष्टि को लगातार खोता जा रहा है। ये वाला कमरा देखिए कितना शानो शौकत का कमरा है। आप अपनी नजरों को जहां पर भी लेकर जाएंगे उस समय की जो बुंदेली शैली है वो आपको इन इमारत के हर एक हिस्से में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसको मजबूती देने के लिए इस प्रकार के चौड़े चौड़े पिलर बनाए गए हैं और इन पिलर से यदि आप अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इनकी छत को सपोर्ट देने के लिए जो ये लकड़ी के बीम बनाए गए हैं देख सकते हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज भी ये वाली जो बीम है यहाँ पर खड़ी हैं और अपनी उस मजबूती को पेश कर रही हैं। नीचे की तरफ आपको इस शेल्फ के पीछे वाले हिस्से में जो ये दिखाई दे रहा है ये चिमनी हुआ करती थी। ठंड के वक्त में यहाँ लकड़ी वगैरह रखकर आप सिकाई कर सकते थे। इनका जो धुआं निकलने का स्थान है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। गेट कितने खुले खुले चौड़े चौड़े बनाए गए हैं। यहाँ पे जब उनकी कचहरी लगती होगी या उनके जो ऑफिसर्स वगैरह थे राजा के समय में जो काम काज को संभालते तो यहाँ पे वो बैठे रहते होंगे यकीनन तौर पे। और ये सारे के सारे जो कमरे हैं बंद होते होंगे, किवाड़ इसमें लगे हुए होंगे। पीछे की तरफ आइए आप एक बार दोस्तों। इस प्रकार का एक दूसरा गलियारा यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है और इसमें देख सकते हैं ये जो आर्च आपको दिखाई दे रही है, ज्यादातर ऐसी जो आर्च है वो यूरोपियन स्ट्रक्चर में हम अक्सर देखते हैं। विदेशी जो पैटर्न है वो देखने को मिलता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस वक्त ये पूरा महल बनाया गया होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजा वगैरह विदेश में घूमने जाते होंगे वहाँ का उन्होंने कोई डिज़ाइन देखा होगा, सोचा होगा कि अपने महलों को हम इस प्रकार से बनाएं, इन चीज़ों में तैयार करें। और ये देखें पे दीवारों पे लाइमस्टोन से कितना अच्छा डिज़ाइन भी यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ा सा ना दतिया के इतिहास को समझने से पहले हम बुंदेलखंड के इतिहास को थोड़ा सा जान लेते समझ लेते हैं। बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस समय इल्तुतमिश ने दिल्ली पर अपना शासन कर लिया था तो उसी वक्त इस पूरे क्षेत्र पे चंदेलों का शासन हुआ करता था। तो बहुत बड़ी सेना लेकर इल्तुतमिश जब यहाँ पर आए तो उन्होंने चंदेलों को हराया और इस स्थान को दिल्ली सल्तनत के अधीन ले लिया। यहाँ पर खंगारों का शासन हुआ करता था जिसमें से खेत सिंह खंगार यहाँ के राजा थे और खेत सिंह खंगार को सोनपाल बुंदेला उन्होंने हराया था और उसके बाद में बुंदेलखंड का जो निर्माण है वो हो गया था और उसी के बाद से पूरा हिस्सा जो कि बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और थोड़ा सा हम एक बार इसके और टूटे हुए चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए पूरा मलबा यहाँ पे है, ऊपर की दीवारें देखिए कैसे आज के समय में ये तहस नहस हो चुकी हैं, सारी की सारी छत नीचे गिर चुकी हैं ये, और इसका टूटा हुआ हिस्सा हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि जो पूरा हिस्सा है छत का देख सकते हैं टूटा हुआ, ये छत कितनी मोटी बनाई गई है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं ऊपर वाले हिस्से को देखकर। अब हमें नीचे जाती हुई कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो ज़्यादातर टूट चुकी हैं। हम सावधानी के साथ में नीचे की तरफ उतरेंगे और आपके सामने पेश करेंगे कि ये एक तहखाना बना है, कमरे बने हैं, क्या है। आइए मेरे साथ में, आप यहाँ पर थोड़ा बचकर आना भाई। देखिए इस गेट पर ये पतली पतली ईंटें भी दिखाई दे रही है, लाखोरी ईंटें ने बोला जाता है, चूना पत्थर का मसाला रबल यहाँ भरा गया है
और इनकी दीवारें काफी ज्यादा मोटी हैं। यहाँ पर भी कुछ टूटे अवशेष गिरे हुए हैं और आपको मैं दिखाता हूँ जो इस प्रकार के होल आपको देखने को मिलेंगे, सारे वेंटिलेशन ऑक्सीजन के लिए काम में आते हैं। इसी के बिल्कुल नीचे की तरफ ये दूसरा बनाया गया सिमेट्रिकल फॉर्म में है, जिससे कि कमरों के अंदर इनके निचले भाग में वेंटिलेशन तैयार रहे। काफी ज्यादा हिस्से जर्जर हो चुके हैं तो थोड़ा बच के हमें नीचे की तरफ जाना है भाई। यहाँ पे भी देखो कितना बड़ा वेंटिलेशन का एक हिस्सा बनाया गया है जो आज आपको सामने की तरफ देखने में बन रहा है। नीचे आइए, ये चमगादड़ों का मल देख रहे हैं, इसे साफ सा मालूम पड़ता है कि यहाँ पर चमगादड़ रहते होंगे। काफी नीचे आ गया है। और ये क्या, ये तो हम बिल्कुल निचले भाग में पहुंच गए हैं जो नीचे वाले हिस्से में बनाया गया था। अरे वाह, यहाँ पर एक लंबी कतार की ये राउंड शेप की आर्च पिलर के साथ में बनाए गए पूरे के पूरे गलियारा हमें मालूम पड़ता है। और ऐसा लगता है कि एक वक्त पहले ये पूरी लंबी जो गैलरी रही होगी ये बनाई गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा इनके वंशावली के बारे में बता देता हूँ कि क्या इनकी वंशावली थी, जिसमें से आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख रहे हैं जो आज आपको मालूम पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो राजा बने थे भगवान राव जुदेव बने थे, उनके बाद में शुभकर्ण बने, फिर दलपत आए, फिर रामचंद्र, इंद्रजीत, शत्रुजीत, पारिछत, विजय बहादुर, भवानी सिंह, गोविंद सिंह, बलभद्र, कृष्ण सिंह, राजेंद्र सिंह, और बिल्कुल वर्तमान में बने थे अरुणादित्य, जिनकी कुछ रिसेंट में 2020 के आसपास उनकी मृत्यु हुई है। अब हम जाएंगे इसके दूसरे हिस्से में। दोस्तों, इस महल के पिछले हिस्से में हमें नीचे की तरफ एक गहरा कुआं दिखाई दे रहा है, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल बावड़ी के जैसा बनाया गया है। यहाँ पर देखने पर ये 8 दरवाजों वाला हिस्सा बना हुआ है और इसकी जो गहराई है तकरीबन आज के वक्त देखने पर ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 फिट के आसपास ये गहरा आज मालूम पड़ता है, उससे भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। और जो वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान थे उनका अखाड़ा एक वक्त पहले ये वाला स्थान रहा था, जो आज इन झाड़ियों के बीच में अपनी पहचान बिल्कुल खोता जा रहा है। और दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो महल है काफ़ी बड़ा है, इसको कवर करने में हमें 2 भाग बनाने पड़ेंगे। बाकी इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों यहाँ पर अकबर के बेटे जहांगीर की मित्रता हुई यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव के साथ में, क्यों उन्होंने ग्वालियर के पास में जो स्थान है अत्री, वहाँ पर उन्होंने अबू फजल का कत्ल किया, जिसके बाद में जहांगीर के आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा महल बनाया। उन सभी चीज़ों को देखेंगे, चलते हैं आगे की तरफ, दूसरा भाग बहुत जल्द लेकर आएंगे।